बस स्टैंड हमीरपुर के पास एक ढाबे में नान और छोले खाने के बाद चार युवक फूड पॉइजनिंग के चपेट में आ गए। इन चारों पीड़ित युवकों को उपचार के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। उपचार के बाद युवकों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही खाद्य एवं सुरक्षा विभाग हमीरपुर ने बाजार में खाद्य सामग्री के सैंपल जांचे हैं। बावजूद इसके घटिया क्वालिटी का बीमार कर देने वाली खाद्य सामग्री बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बस स्टैंड हमीरपुर के पास एक ढाबे में नान और छोले खाने के बाद चार युवक फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए। उन चारों पीड़ित युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती किया गया है। उपचार के बाद युवकों की हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व ही खाद्य एवं सुरक्षा विभाग हमीरपुर ने बाजार में खाद्य सामग्री के सैंपल जांचे हैं। बावजूद इसके घटिया क्वालिटी का बीमार कर देने वाली खाद्य सामग्री बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसे में विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड हमीरपुर के बाहर ढाबे पर चार युवकों ने नाश्ता किया और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तबीयत खराब होने पर चारों अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें एडमिट कर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। पीड़ित युवक का कहना है कि सुबह उसने अपने तीन दोस्तों के साथ बस स्टैंड हमीरपुर के बाहर एक ढाबे में नाश्ता किया और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। युवक का कहना है कि खाने के दौरान ही उन्हें बंधा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसे खोलकर उन्होंने देखा तो जहर जैसा उसमें कुछ प्रतीत हुआ। उसके बाद वे सीधे अस्पताल में आ गए। नाश्ता किया ना, फिर सभी ने दोस्त ने बैठ के नाश्ता करने लगा। फिर पता नहीं एक मतलब कागज का टुकड़ा से मतलब बांध के क्या जहर था क्या पता नहीं, फिर खाया मतलब फिर डाउट लगा, फिर देखा है खुल के बोला जहर, फिर आ गया सभी ने बोला चेक करके ले गया। अच्छा, तो अभी तभी ठीक है आपकी? अभी तो थोड़ी बहुत ठीक है। ठीक है।